अब हर प्रदेशवासी ने ठाना है मिशन 2030 को सफल बनाना है, इसलिए सभी वर्ग निभा रहे हैं अपनी भागीदारी और दे रहे हैं एक से एक बढ़कर सुझाव और जीत रहे हैं लाखों के पुरस्कार और वो भी रोजाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल बना रही है राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना। आइए देखें कौन कौन बने हैं आज के इस मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के पहले 3 विजेता। आज जारी नतीजों में श्री कृष्ण बिहारी कुर्मी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इन्हें 1,00,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। आपने निरोगी राजस्थान के तहत घर घर औषधि योजना पर वीडियो बनाकर साझा किया। हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने घर घर औषधि विस्तार योजना का विस्तार कर हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की सोच के साथ साथ वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं। इसके बारे में राजस्थान मिशन 2030 में मेरे सुझाव हैं। अनाज की खेती करने वाले किसान अक्सर मेड़ पर कोई पौधा नहीं लगाते, जिसकी वजह से उन्हें उस छोटी सी जमीन का फायदा नहीं मिल पाता। सरकार को ऐसी योजना चलानी चाहिए जिसके अंतर्गत किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार को किसानों को व्यावसायिक पौधे लगाने के लिए आर्थिक मदद देनी चाहिए। हमारे किसानों को सागवान, चंदन, जोजोबा, खजूर, नींबू जैसे तमाम व्यावसायिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पौधे लगाने के बाद इनकी 3 वर्ष तक देखभाल भी करनी चाहिए, जिससे हरियाली के साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और खेती के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी बढ़ेगा। मौसम की अनिश्चितता के बीच जब फसल खराब हो जाए तो इन पेड़ों से किसानों को अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान इन पेड़ों के बीच में खाली स्थान पर सब्जियों की अंतर्वर्ती खेती करके अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। जब किसान आगे बढ़ेंगे तो हम नंबर 1 बनेंगे। धन्यवाद। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की इनामी राशि जीती है जयपुर की जागृति राव ने। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। नमस्कार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2030 तक राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मिशन 2030 भी लॉन्च किया है। मिशन 2030 के अंतर्गत मेरे सुझाव महिला विकास और महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी डिजिटल स्मार्टफोन योजना चलाई जा रही है, जो काफी सराहनीय प्रयास है, लेकिन आज भी ग्रामीण तबके की कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें मोबाइल फोन चालू करना तक नहीं आता और जिन्हें आता है वो इसका सही उपयोग भी नहीं कर पाती। डिजिटलीकरण के इस जमाने में महिलाओं को स्मार्ट बनाना बेहद जरूरी है। मेरा सुझाव है कि सरकार को एक डिजिटल सखी की नियुक्ति करनी चाहिए, जो महिलाओं को स्मार्टफोन का सही उपयोग किस प्रकार से किया जाए इसकी ट्रेनिंग देंगी। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि तहसील और पंचायत स्तर पर सरकार को महिला उद्यमिता केंद्र स्थापित करने चाहिए। ऐसे उद्योगों और ऐसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए जो अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा सके, और तो और उन्हें उचित अनुदान देना चाहिए ताकि महिला अधिक से अधिक अपना स्टार्टअप कर सके। सरकार को राजस्थान की जान कही जाने वाले कुटीर उद्योगों और गृह उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई बुढ़ाई, कढ़ाई और अचार पापड़ आदि जैसे कार्यों को आजीविका के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि हर घर से हमें एक रूमा देवी प्राप्त हो सके। और मेरा अंतिम सुझाव राजस्थान सरकार को ये है कि राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब होगा महिलाओं का उत्थान तभी तो बनेगा विकसित राजस्थान। धन्यवाद। 25,000 रुपए की इनामी राशि से नवाजा जा रहा है। श्री भागीरथ मल जाट को आपने किसानों को संबल प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है। गहलोत सरकार हमेशा से ही किसान हितैषी रही है। सरकार का मुख्य ध्येय रहा है किसानों की आय
और आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी करना। गहलोत सरकार ने पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है। अलग से कृषि बजट पेश करने से किसानों की योजनाएं, सरकारी नीतियां बहुत अच्छे से किसानों तक पहुंच रही है। योजनाओं का लाभ उठाकर किसान खुशहाल बन रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के बजट में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को दी जा रही है और 15,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति के माध्यम से राजस्थान एग्री प्रोसेसिंग हब बनने जा रहा है। आज राजस्थान का किसान उद्यमी भी है। उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ योजना ने किसानों की जिंदगी को संवार दिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसानों की समृद्धि और किसानों की खुशहाली के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रहे हैं। कर्ज में डूबे किसानों के लिए किसान ऋण राहत आयोग अब ज्यादा दूर नहीं है। सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि आज बाजरे में राजस्थान नंबर एक पर है और साथ ही खाद्यान्न का उत्पादन 9.71% की दर से बढ़ा है। अनाज और दलहन का उत्पादन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मिशन 2030 के लिए किसानों की बात और किसानों के लिए सुझाव। राजस्थान में जल संरक्षण और जल की कमी को देखते हुए ड्रोन के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देना जाना चाहिए और जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी मेड़बंदी में सहायता करनी चाहिए। उनके लिए मजदूरों की व्यवस्था इंदिरा गांधी रोजगार योजना माध्यम से करा सकते हैं। साथ ही किसानों को ऊर्जादाता बनाना चाहिए। जो सौर ऊर्जा से एक्सेस बिजली को सरकार को खरीदनी चाहिए। किसानों के लिए एक यूनिक कार्ड होना चाहिए। उसी यूनिक कार्ड में सारा उनका गिरदावरी, उनके विभिन्न लाभ सब एक क्लिक पर उपलब्ध होने चाहिए। किसानों के अलग से कॉल सेंटर होना चाहिए जिनमें उनसे सारी शिकायतें का निपटारा एक साथ हो सके। और किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी भर किसान कड़ी मेहनत करता है, उसके लिए बुढ़ापे में सुरक्षा है, तो पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।